ये अंकुर भैया ने जो गहने गिरवी रखकर बैंक से कर्जा लिया है उसके कागज है। इसमें लिस्ट भी है उन गहनों की और उनकी तस्वीरें भी। आप देखकर जांच कर लीजिए कि इसमें उस हार के बारे में लिखा है या नहीं। इसीलिए भैया से मिलने गई थी क्योंकि चोरी का इल्जाम लेकर मैं नहीं जी सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ मुझे या मेरे भैया को नीचा नहीं दिखा रहा था। मेरे मम्मी पापा, उनके दिए हुए संस्कारों, उनकी दी हुई परवरिश को भी नीचा दिखा रहा था। जो सहपाना मेरी सहन शक्ति के बाहर था। इसमें तो उस हार की तस्वीर भी नहीं है और ना ही उसके बारे में कुछ लिखा है। जा, जाकर थारो काम कर। कोई जरूरी तो ना है ना कि जो कागज दिए हैं वो सच्चे हैं। छोटे भी तो हो सकते हैं ना। बाबू, मोहित उसी बैंक में नौकरी करते हैं ना। आपसे मेरी विनती है कि आप मोहित को ये कागज दिखाकर इनकी जांच करवा लें। मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में भी किसी तरह का कोई शक रहे, क्योंकि इन कागजों से ये बात साफ हो जाएगी कि मेरे भैया ने वो हार गिरवी रखा है या नहीं। हो गई ना बात साफ संतोष, पड़ गई ना तू झूठी। मैंने तो पहले से ही पता था कि बिंदनी ऐसा कर सके कोनी। जे हार इसने ना लिया है, किसी ने ना चुराया है, तो के हार घर में अशांति फैलाने के लिए खुद ही छुप गए। बाबू, बाबू हार मिल गया। अरे वो सोने का हार मिल गया बाबू। अरे वो हार, अरे तू परे हट बाबू, हार मिल गया। ये हार तारे पास कैसे? कि तूने चुराया था ये हार? हाँ बता। चुराया हो तो मैं खुद थोड़े ना आती देने। वो ये साड़ी है ना, वो मासा के यहाँ से आई थी। चिठानी जी ने खुद मुझे दी। मैं तो फॉल लगाने के लिए ये साड़ी खोली तो ये हार जो है उसी में दबा मिला मारे को। अब तो मैं भागी चली आई। हार तो डिब्बे में था ना, साड़ी में कैसे घुस गया? जवाब दे, पति ने क्या देख रही है? कैसे? कैसे तो हाँ बताती हूँ ना, जेठ नानी जी के जो बैग था उसी में ये साड़ी थी।
उसी में ये नहीं, डब्बे में हार था, तो डब्बे की चिटकनी खोली होगी या फिर खुल गई होगी, या फिर वो होता है ना गाड़ी में जाओ तो ऊपर नीचे हवा जावे, पेट का दर्द पेट का पानी तक हो जावे ऊपर नीचे, तो ये तो हार ही है भाभा, चिपक गया साड़ी से, पता नहीं हम जिठानी जी पे यूं ही शक कर रहे थे, जिठानी जी ने अपने भाई को कौन ही दिया, हाँ बेचारी जिठानी जी को कितना परेशान हुई ना। संतोष मामला खत्म है अब, मने पता है तने जरा जोर देना पड़ेगा पर थोड़ा सा मुस्कुरा देना। बाजार में नकली हार लेकर बहुत लोग घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा असली है या नकली। मीनाक्षी पूरे दिल से कह रही हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरे सर पर से बहुत बड़ा इल्जाम हटा है, थैंक यू। हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बेटा ये गहने अंदर, मैं भी छत से कपड़े उतार लाती हूँ। संध्या जी के कागज हैं, जरूर काम के होंगे। सूरज भैया दौड़े दौड़े आइए जल्दी। हाँ रे भाई, अरे देखने तो मुझे अच्छे से, पर तू वही मीना है ना मेरी, चलाक सी लोमड़ी सी बदमाश सी है, है? तो कहीं वो गेहूं पीसने वाली दुकान पे बदल तो ना गई? नहीं जी, आप ही की मीना हूँ, कैसे समझाऊं? ये देखो चूड़ियां, देखो मारा सिंदूर, देखो जेवर, देखो गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी, आप ही की मीना हूँ, मगर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू अचानक इतनी बदल कैसे गई, इतनी शरीफ सी, इतनी अच्छी सी कैसे बन गई तू? अरे इतना महंगा हार तूने जाके भाभी को अपने हाथों से दे दिया, और जो भाभी के सर पे इल्जाम था उस इल्जाम को भी हटवा दिया तूने, अरे मतलब शांति तोड़ू घर की, शांति जोड़ू कैसे बन गई? अपनी मर्जी से कोनी किया ना मीठा बनना, मारे को भी पसंद कोनी, अगर के करूं मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, आपको के पता कि आज आपकी मीना के साथ के हुआ है, कैसी बुरी फंसी आज मैं। Thank you.
रेबे के मेरा नाम तो ना लिया तूने? नहीं ना। एक बात कहूं जी, मैं दुनिया के लिए बुरी हो सकती हूँ। एक बार को मैं वो मंदिर की दान पेटी में हाथ डालने का पाप भी कर सकूं, मगर आपके लिए मैं अपने धर्म में कमी को नहीं आने दूंगी। हाँ नहीं, जेठ जी बड़े गुस्से में थे, अरे को तो बड़ा डर लगा था उनसे पहली बार जो ऐसे देखा था, लेकिन मैंने भी ऐसे मोटे मोटे किलो भर के आंसू बहाए, जनता को भी इकट्ठा कर लिया, जमीन पे लेट गई, खूब दहाड़े मार के रोई, तब जाके उन्हें यकीन आया कि मैं साची बोल रही हूँ कि मैंने ये हार अपनी बहन के लिए बनवाया था। मीनाक्षी, अब जो बिगड़ा है उसे उसे ठीक भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारी भाभी ने निर्दोष रह के सब कुछ सहा है, उनके माथे से इल्जाम भी तुम्हें ही हटाना होगा। तुम्हें खुद जाके भाभो के हाथ में वो हार सौंपना होगा। ठीक है, आप कहते हैं तो हमारे को तो ये करना ही पड़ेगा। शाम को भाभो को दे देती हूँ वो हार, रात को पुष्कर स्टेशन से बहुत सारी रेलगाड़ी आ जाती है, उन्हीं के सामने आके कट जाऊंगी। मीनाक्षी, क्यों ऐसी बातें कर रही? कोई तुम्हें इस घर से निकालने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद भाभो के पास जाके ये बोलना होगा कि ये हार तुम्हें घर पे कहीं पड़ा मिला। मीनाक्षी, तुम जानती हो कि भाभो से झूठ बोलना मेरे लिए 100 दिल तोड़ने के बराबर है, और तुम्हारा घर से निकलना और तुम्हारा घर टूटते हुए भी मैं देख नहीं सकता। मीनाक्षी, तुमसे मैं विनती करता हूं कि इस घर में झगड़ा सिर्फ और सिर्फ झूठ और सच का चल रहा है। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से सिर्फ संध्या जी का नहीं बल्कि भाभो के दिल को भी ठेस पहुंची है, इसलिए कभी ऐसे गलती मत कर। नहीं, 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 नहीं। और एक बात, वो हार तुम्हारा है लेकिन रहेगा संध्या जी के पास, चिंता मत करो, उसके उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। आप तो देवता है देवता, आपके चरण धोकर ना मैं वो पानी बोतल में रख लेती हूँ, रोज एक चम्मच पीऊंगी, शायद आप जैसी बन जाओ, थोड़ी बुद्धि आ जाए मारे को। बस मीनाक्षी, चलो घर चलो। हाँ, एक बार जो जेठ जी ने कह दिया मतलब आकाशवाणी हुई है, पैसे तो जरूर देंगे, सचमुच प्यारे से जेठ जी हैं। और तू पैसे ले लेगी है? मतलब तूने चोरी की, तूने गलती की और तेरी गलती पकड़ी भी गई, पछतावा तो गया चलो तेल लेने, तू तो फिर भी पैसे ले लेगी, शर्म ना आएगी तन्ने? नहीं, शर्म तो नहीं आएगी, मगर आप इतना कह रहे हैं तो थोड़ा शर्मा लूंगी, मगर पैसे जरूर लूंगी। हाँ, एक बात बता, कितनी लोमड़ियां मरने के बाद तू पैदा हुई? कैसे पति हो, आपके वो पैसे थे, आपके पैसों के लिए मैं जमीन तक में लेट गई, रोने लग गई, लोगों के सामने मारी कमर भी दुख रही है, इतना पैर दबाने की बजाय मारे को लोमड़ी कह रहे हो। बात नहीं करूंगी, कपड़े उतारो। बस बस ये मैं कर लूंगा, ये लो 100 रुपए, वैसे भी देर हो गई, रख लो। कल संध्या जी की परीक्षा के 15 दिन पूरे हो जाएंगे, जाने बाबू क्या फैसला करने वाली है। वापस आ आप।
कैसा है बेटा? बस मैं दुकान सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा लोग हमेशा कहते हैं एक बेटे के दिल की बात माँ का दिल बिना कहे समझ लेता है, पर वो ये भूल जाते हैं बेटे को दिल अगर माँ ने दिया है तो उस दिल में धड़कन बाप की वजह से होती है बेटा। थारा दर्द मारे से छुपा को नहीं बेटा, थारा दर्द थारी चिंता थारी खुशी, तू चिंता मत कर बेटा सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं बेटा, तेरे जैसे इंसान के साथ अगर भगवान ने कुछ गलत कर दिया ना तो लोगों के दिल में ये शक आ जाएगा कि सचमुच इस दुनिया में भगवान है या सिर्फ आरती हो और भजनों में छुपा एक झूठा विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, जिसने ये जोड़ी बनाई है ना वही इस जोड़ी की रक्षा करेगा। मन विश्वास है अमित। हाँ बाबा। बाबा मुझे भाभों पर भरोसा है बाबा। कल सब ठीक होगा। क्यों कुछ गलत होगा बाबा, सब ठीक होगा, आप चिंता ना करो। चल बेटा रात बहुत हो चुकी है। आज आपकी परीक्षा का चौथा दिन था। बहुत शुभ हुआ आज। जो आपकी सच्चाई भाभों के सामने साबित हुई, मुझे लगता है कि भाभों का दिल अब बदल जाएगा। संध्या जी सब ठीक हो जाएगा। अब हम अब ये परीक्षा शायद जीत जाएंगे। आप खुश नहीं है? मंजिल हमारी क्यों है अपना ये साथ अधूरा, क्यों सूरज ये ढूंढे सवेरा, कभी होगा ये मिलन क्या बनेंगे कभी साथ ये दिया अरे बाती आ।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।